जी है ना। टेरिबल मिस्टेक है। सो नमस्कार बच्चों, सभी अध्यापक गण को प्रणाम। आज हमारे ऑनलाइन साथ कर दिया था। प्रोफेसर ठीक है, रघुनाथ साहू जी हैं। आज हम 44वें अधिवेशन में प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश तरंग है कि क्या है, कण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्यादा हम आज प्रोफेसर रघुनाथ साहू से जानेंगे, लेकिन प्रोफेसर रघुनाथ साहू जी के बारे में डॉक्टर आशीषा जी परिचय देंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रावण जी से कि कुछ बोलें और फिर आशीष जी आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रावण धन्यवाद जी, शुक्ला सर। धन्यवाद शुक्ला सर, आवाज़ आ रही है ना? हाँ मैं डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, राज शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से इंदौर आईआईटी की पूरी टीम का स्वागत कर रहा हूँ, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी, डॉक्टर आशीष कुमार, डॉक्टर अजय कुशवाहा जी और अन्य तकनीक पर्सन। मैं आज के वक्ता डॉक्टर रघुनाथ साहू जी का स्वागत कर रहा हूँ कि आप बहुत ही रोचक विषय लेकर हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच आए हैं। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं पुनः एक बार, क्योंकि ये बहुत ही रोचक विषय है, प्रकाश तरंग है या कण के रूप में है। मैं साथ में स्वागत कर रहा हूं अपने फील्ड के डाइट फैकल्टी का, जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ती है, एपीसी एकेडमिक, बीआरसी, बीएसी, सीएसी, शिक्षक साथियों तथा विद्यार्थियों का जो और विद्यार्थियों के अभिभावकों का जो उत्सुकता पूर्वक हमारे इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं अपने फील्ड के अधिकारियों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगा, ये बहुत ही रोचक विषय है, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इस लिंक को आप शेयर करें, ताकि विद्यार्थी शिक्षक इससे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। यदि कतिपय कारण से कोई विद्यार्थी शिक्षक इस लिंक को नहीं देख पाते हैं, तो उन्हें ये जरूर बताया जाए कि आईआईटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर यह लिंक हमेशा उपस्थित रहती है, वहाँ पर विद्यार्थी जा करके इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जब अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ही इसका उन्हें लाभ मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में इस प्रदेश के सभी जिलों के 52 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 322 विकास खंड हैं, वहाँ के विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक जुड़े हुए हैं और उनकी जो हमें प्रतिक्रिया आ रही है, ऐसा लग रहा कि वो इससे जरूर लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः एक बार आईआईटी की टीम से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को इस प्रारंभ करने का कष्ट करें। प्लीज आशीष सर। धन्यवाद धन्यवाद त्रिपाठी जी। तो अभी कुछ प्रोफेसर रघुनाथ साहू जी के बारे में बताना चाहूँगा। आप हमारे भौतिकी विभाग में कार्यरत हैं और इस समय तो आप बाहर गए हुए हैं, इन द सेंस कि शायद सर्न जेनेवा में आप इस समय विजिटिंग के तरीके से वहाँ पे साइंटिस्ट के तरीके से कार्यरत हैं। आपने अपना एमएससी पार्टिकल फिजिक्स स्पेशलाइजेशन से उत्कल यूनिवर्सिटी से किया और फिर पीएचडी आईओपी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर फिजिक्स, भुवनेश्वर से किया हुआ है। इसके बाद आपने रिसर्च कंटिन्यू करते हुए केप टाउन साउथ अफ्रीका और फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में चीफ साइंटिस्ट, इसके बाद में ये फ्रांस में जाकर के अपना पोस्ट डॉक किया और फिर से एक बार जिनेवा में और फिर यहाँ पे आकर के ज्वाइन किया हुआ है। ये आपका बहुत ही एक्टिव रिसर्च रहा है, ये आप देख सकते हैं इन आंकड़ों से। इसके अलावा आपका काम मोर और लेस जितना मैं समझता हूँ थ्योरेटिकल फिजिक्स पे है और ज़्यादा कुछ सर बताएंगे। आपका मेंबरशिप, ये फेलो मेंबर हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स यूनाइटेड किंगडम के, लाइफ मेंबर इंडियन फिजिक्स एसोसिएशन, लाइफ मेंबर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ये इम्पोर्टेंट संस्थाएं होती हैं जिनके जिनका एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पैटर्न मेंबर उड़ीसा फिजिकल सोसाइटी और लाइफ मेंबर उड़ीसा विज्ञान एकेडमी। इसके अलावा आपने बहुत सारे रिसर्च के पर्पज से और टास्क के पर्पज से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में हो या बाहर विजिट किया हुआ है। आप एकेडमिक के अलावा भी जो है इंस्टीट्यूट में बहुत ही
एक्टिवली काम कर रहे हैं, स्पेशली चेयरमैन ALICE इंडिया प्रोजेक्ट, DPR एंड इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे जगह कई बार, और आप किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में एक्सपर्ट मेंबर की तरीके से रहे हैं, एसोसिएट डीन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड आउटरीच एट इंदौर में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा डिप्टी स्पोक्स पर्सन ALICE इंडिया एक्सपेरिमेंटल एंड कोलेबोरेशन सर्न जिनेवा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से कि अगर आप और जानना चाहें तो ये नीचे लिंक दी हुई है जिस पे आप जाकर के प्रोफेसर साहू के बारे में और जान सकते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी ही इस कार्यक्रम को जो है प्रोफेसर साहू के पास लेके चलता हूँ, सो दैट कि हम लोग अपना ये प्रकाश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान के। प्रोफेसर साहू प्लीज। थैंक यू आशीष जी, माय कॉलिंग फ्रॉम IIT इंदौर। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी वेल एंड माय स्लाइड्स आर इन फुल स्क्रीन मोड, राइट? परफेक्ट, या ओके। सो थैंक यू एंड थैंक यू टू राष्ट्रीय अभिख्यार अभिज्ञान एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। जैसा मैं लास्ट टाइम बोला था, मैं एक स्टैट्यूटरी वार्निंग और कॉशन में रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है। सो मैं ट्राई करूँगा हिंदी इंग्लिश हाइब्रिड मोड में बोलने के लिए, एंड ये हो सकता है कि मेरा जेंडर टेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो, सो आप मेरे को माफ कर दीजिए इसके लिए। बट इम्पोर्टेंट इज यू नो आई हैव टेकन दिस एज ए चैलेंज कि ओके मैं इंदौर में हूँ, सो मध्य प्रदेश स्कूल बच्चों को मैं थोड़ा एनकरेज कर सकता हूँ तो अच्छा रहेगा। सो इसलिए मैं इसको टेकअप किया हूँ। मेरा लास्ट जो लेक्चर में दिया था, सो उसके ऊपर भी मैं वही बोला था कि बच्चों को सिलेबस के बाहर एनकरेज करना हमारा एक काम होना चाहिए, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सो इसीलिए मैं आज क्या किया हूँ कि एक टॉपिक चूज किया हूँ कि इज लाइट ए वेव और पार्टिकल। सो आपका क्लास का सिलेबस से बाहर है थोड़ा, मैं जानबूझ के थोड़ा बाहर लिया हूँ क्योंकि मैं आपका NCERT का किताब भी देखा प्रिपेयर करने से पहले। सो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि मैं आपको थोड़ा एक्साइट करूं फिजिक्स में, वो अच्छा रहेगा इन कंपैरिजन टू आपका सिलेबस में क्या अवेलेबल है, क्योंकि आपका टीचर तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होंगे। सो ये टॉपिक मैं चूज़ किया हूँ, एंड बिफोर आई मूव मैं बच्चों को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा एवं अभिभावक जो है, उनका गार्डियंस जो है, पेरेंट्स है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को थोड़ा एक्साइट करिए ना। नंबर तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट के लिए, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ये तो थोड़ा हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा एक्साइट करिए जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा रहेगा। सो इसको दिमाग में रखते हुए सो अब अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज लाइट। सो लाइट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। हमको पता है कि कुछ चीज देखने के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑप्टिक्स में होता है, हम चीज देखते कैसे हैं। एक लाइट जाता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, गिरने के बाद वो जो रिटर्न आता है हमारा आईज को, सो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सो लाइट इज वेरी एसेंशियल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। सो द सन और लाइटेड कैंडल, आप मोमबत्ती लेंगे या इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में सोचेंगे, सो एक्चुअली दीज आर सोर्सेस ऑफ लाइट, जो लाइट देते हैं हमको, एंड हम इसको बोलते हैं कि ये लुमिनस बॉडीज। सो जहां से लाइट आता है, सो अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये वेव है या एक पार्टिकल है, ये इतना आसान नहीं है गेस करना। एंड मैं थोड़ा हिस्ट्री आपको लेके जाऊंगा, आपको पता चलेगा कि लोगों ने कैसे स्टार्ट किए, सोचना कैसे स्टार्ट किया, हाउ एंड व्हाई ऑफ थिंग्स। एंड अभी आप सोचेंगे कि कुछ लोग गेस करके बोलेंगे ये वेव है ये पार्टिकल है, सो कुछ लोग बोलेंगे ओके वेव भी है पार्टिकल है, सो ये तो डुअलिटी ऑफ लाइट है। सो जो मैं लास्ट को कंक्लूड करूंगा। सो लेट्स सी इफ आई आस्क ए क्वेश्चन कि व्हेन लाइट वाज क्रिएटेड, लाइट कब हुआ था क्रिएशन,
पता नहीं कितने लोग इसके ऊपर सोचे होंगे कि लाइट कब क्रिएट हुआ था। सो मेरा आंसर रहेगा प्रोबेबली एट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और बिफोर। ये जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ था उसी टाइम में हुआ था या पहले हुआ था। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ इधर, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये एक पिक्चर है। सो यूनिवर्स हमारा 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, बिलियन ईयर्स आप सोच सकते हैं। सो हम इधर है ये जो स्केल में। एंड जो लाइट और मैटर जो फॉर्मेशन हुआ था, ये बिग बैंग जो सृष्टि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था, सो उसका कुछ सेकंड के बाद लाइट और मैटर फॉर्मेशन हुआ था। आप पूछेंगे कि हम तो इधर है अभी 13.8 बिलियन ईयर्स, हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट और मैटर फॉर्मेशन 1 सेकेंड और फ्यू सेकेंड बिग बैंग के बाद हुआ था। सो ये एक इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च है। सो मैं एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ, थ्योरी में भी काम करता हूँ। सो ये जो सार्न जेनी भावे जो एक्सपेरिमेंट होता है लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर, सो इसमें क्या है कि हम बहुत टाइम के पीछे जाके रिक्रिएट करते हैं बिग बैंग कलिजन का। सो ये जो क्वेश्चन है लाइट कब क्रिएट हुआ था, मैटर कब क्रिएट हुआ था, ये ऑल आर एक्चुअली अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। अभी तक उसका एक कंक्रीट रीजन और कंक्रीट पॉइंट कि हाँ इसी टाइम में हुआ था, ये आंसर अभी किसी के पास नहीं है। सो इट इज अ मैटर ऑफ एक्चुअली इंटेंस रिसर्च। सो अब हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स देखेंगे, आज का दिन में हम इधर है, हम ब्रह्मांड को अब ब्रह्मांड का खोज में है, सृष्टि का सबका जो नियम है इसको थोड़ा जानने के लिए ट्राई कर रहे हैं विथ आवर नॉलेज टेक्नोलॉजी। एंड ये बिग बैंग के बाद ये जब सृष्टि हुआ था, विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ था, सो धीरे धीरे ये इट वॉज ए रियली हॉट बॉडी एंड एक्सपांसन हुआ था। उसके बाद कूल डाउन होके अभी टेम्परेचर जो ज्यादा था बिग बैंग के टाइम में, सो अभी टेम्परेचर कूल डाउन हुआ है। एंड व्हाट एवर यू सी द नॉर्मल मैटर दैट एग्जिस्ट टूडे, सो वी आर हियर। सो एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग कि हमारा फिजिक्स हो या साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, सो हमारा जो ये है जानने का जो तरीका है, टेक्नोलॉजी लेके थ्योरेटिकल नॉलेज लेके नेचर का ब्यूटी जो है उसको जानने का हमारा ये है ह्यूमन क्यूरियोसिटी एज ए चाइल्ड। सो नाउ इफ यू गो बैक, एज आई टोल्ड यू हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है 13.8 बिलियन ईयर्स। एंड ये लाइट का उत्पत्ति में दिखाया आपको फ्यू सेकंड के बाद हुआ होगा, दैट इज ये अनुमान है। ये 1 सेकंड और 13.8 बिलियन ईयर्स से इसके बाद 17th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट नेमली आपका आइजक न्यूटन एंड क्रिस्टियन हॉइजन, सो ये सोचना स्टार्ट किए, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए कि लाइट कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स और इट इज अ वेव। सो हम फिजिक्स हो या नेचर को समझने के लिए मैथमेटिक्स एक पावरफुल लैंग्वेज है और उसके बाद एक्सपेरिमेंट है। सो हम अजम्पशन लेके तो थ्योरी कुछ भी बना सकते हैं, उसको प्रूव करने के लिए हमको मैथमेटिकल एंटिटी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा और इसको डिसप्रूव या प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए। और आप जितना थ्योरी बनाइए एक एक्सपेरिमेंट इसको डिसप्रूव करने के लिए एनाफ है। सो इसी टाइम में क्या हुआ, ये लाइट कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स और लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, सो इसके बारे में डिफरेंट थ्योरी आया और आइजक न्यूटन एंड क्रिस्टियन हॉइजन, सो दे हैड डिफरेंट ओपिनियन। सो उनका ओपिनियन में डिफरेंस था, कोई बोल रहा था कि ये पार्टिकल है, कोई बोल रहा था कि वेव है। सो नाउ अभी हम जाएंगे न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट देखेंगे। न्यूटन का अजम्पशन था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो आप लाइट का रे देखते हैं ना, आप टॉर्च लाइट लेके तो ऑन करते हैं उसको, जो रे आता है, सो वो रे में न्यूटन बोल रहे थे और सोच रहे थे कि लाइट के अंदर मेनी टाइनी पार्टिकल्स है। सो दे ओबे द सेम लॉज ऑफ फिजिक्स लाइक अदर मासिव पार्टिकल्स लाइक टेनिस बॉल और प्लैनेट। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देखेंगे ये सब जो टेनिस बॉल हो या प्लैनेट हो, ये डिफरेंट फिजिक्स लॉ गवर्न करते हैं। हम यहाँ से फेंकेंगे कितना फोर्स में फेंक रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमको बोल देगा वो कहाँ तक जाएगा। ये आपका जो प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी और जो मिसाइल होता है वार में जो यूज होता है, ये इतना एग्जैक्ट है बिकॉज इट डिपेंड्स अपन वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल थ्योरीज एंड दीज आर ऑलरेडी प्रूव्ड थ्योरीज। सो न्यूटन बोल रहे थे कि ये लाइट है, इसमें पार्टिकल्स है, एंड ये पार्टिकल जो टाइनी छोटा छोटा पार्टिकल जो आंखों को दिखता नहीं है,
ये क्या करते हैं कि ये जो हमारा टेनिस बॉल प्लानेट, ये जो रूल और ये फिजिक्स लॉ ओबे करते हैं वो भी करता है। सो दे आर टाइनी, सो पार्टिकल्स, आप पूछेंगे कि वो जो इंटरसेक्ट, हम दो बीम इंटरसेक्ट करते हैं, वो स्कैटर्ड होके डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हम तो बोलते हैं कि ये पार्टिकल है। सो अजम्पशन अगेन, ये थ्योरेटिकल अजम्पशन है कि ये इतना छोटा है ये स्कैटरिंग नहीं होता है, ठीक है। सो कैन वी सी द बेंडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट बाय ग्रेविटी। सो कोई बच्चा पूछेगा कि ठीक है ये तो पार्टिकल है, एंड पार्टिकल तो ग्रेविटी के अनुसार जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये तो अट्रैक्ट होके जाएगा। सो हम एक टॉर्च लाइट लेंगे, ये हॉरिजॉन्टली ऑन करेंगे इसको। सो ये तो आपका अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ बेंड होना चाहिए, बेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट। सो ठीक है, सो इसको एक थोड़ा कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैं बोला कि मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल टेक्निक है फिजिक्स के लिए। सो मैं एक हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट लेता हूँ नियर द अर्थ, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेरे को गाइड करेगा कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करना चाहिए जिसका फॉर्म होगा पाराबोला। सो मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा आपका सिलेबस के बाहर बोल रहा हूँ, आपको एक्साइट करने के लिए, आपको एक डिफरेंट होराइजन दिखाने के लिए। आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मैं एक स्टोरी के साथ बोलूंगा चीज, और क्लास सिलेबस का जो मटेरियल है वो तो आपका टीचर अच्छे से, मेरे से अच्छे समझा देंगे क्लासरूम में। सो इसीलिए थोड़ा आपको एक्साइट करने के लिए मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ थोड़ा बाहर। सो मैं एक टॉर्च लाइट, एक हॉरिजॉन्टल बीम डाल रहा हूँ, वो अर्थ के आसपास है, एंड ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मेरे को बोल रहा है कि एक पाराबोला, इसका पाथ जो है पाराबोला फॉलो करेगा, क्योंकि मैं एक ये स्टोन लेके फेंकूंगा ये भी एक पाराबोला फॉलो करेगा। सो ये स्टोन जैसा लाइट का टाइनी पार्टिकल एक पार्टिकल है तो एक पाराबोला फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है एंड बेंडिंग नहीं हो रहा है, दैट इज नो बेंडिंग। सो क्या हो रहा है, सो एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला लेके उसको हम समझ सकते हैं क्या। सो द स्ट्रेट लाइन वी ऑब्जर्व इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इज टू हाई। सो जो जो लाइट में जो पार्टिकल है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, एंड कितना ज्यादा है, 1 माइक्रोसेकंड में लाइट ट्रेवल्स 300 मीटर्स। ये जो माइक्रोसेकंड बोल रहे हैं 10^-6 और 10^-6 सेकंड में ये 300 मीटर जाता है डिस्टेंस। सो हम ये इसको लेके हम कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस जा रहा है हमारा लाइट। सो हम देखेंगे जो बेंडिंग है, सो वाई वाई इज इक्वल टू UT+ ½ AT² आप लेंगे। सो इनिशियल टाइम में इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके सेकंड टर्म इसको इधर कंट्रीब्यूट करेगा, आप टाइम ले लेंगे। सो आप देखेंगे ये आ रहा है 5 × 10^-12 मीटर। सो ये इतना कम बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है तो सो आपको ये मेजरमेंट आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा है, 1 मीटर का 10^-12 देखेंगे, इट इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व। सो इसीलिए न्यूटन्स थ्योरी, वो जब बोल रहे थे कि लाइट का बेंडिंग क्यों नहीं हो रहा है, वो उनका थ्योरी का थोड़ा जो बेसिक है कि वो बेंडिंग हो रहा है क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाट न्यूटन अज्यूम्ड। सो देखिए, आप अभी एक थ्योरी बना रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, आप इसको एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट है। न्यूटन थोड़ा शाई भी थे, और उसी टाइम में एक ब्रिटिश का बड़ा वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, वो रॉबर्ट हुक इतना एस्टेब्लिश थे, इनका थ्योरी को शायद ये क्रिटिसाइज करेंगे, उनको खराब लगेगा क्योंकि इसका इतना फाउंडिंग प्रूफ इतना सॉलिड नहीं है। इसीलिए न्यूटन क्या किए है कि किताब लिखे, 17 साल वेट किए, जो किताब का नाम नाम था ऑप्टिक्स, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये किताब का नाम ऐसा था ऑप्टिक्स। सो वो रॉबर्ट हुक मरने के बाद, उनका देहांत के बाद ये बुक किताब पब्लिश किए, सो ये ऑप्टिक्स था, ये इनका थ्योरी सब था। सो वो सोच रहे थे कि लाइट एक पार्टिकल है। सो पार्टिकल है तो जो हमारा जो दूसरा फेनोमिना है लाइक रिफ्लेक्शन, उसको हम समझा सकते हैं क्या वो पार्टिकल थ्योरी लेके। सो रिफ्लेक्शन क्या है ना, इट वाज नोन दैट व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये रिफ्लेक्शन का थ्योरी है। सो दिस इज हाउ एन इलास्टिक फ्रिक्शनलेस बॉल बाउंसेस फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। मैं आपको थोड़ा डेमो दिखाऊंगा उसका। लाइट को पार्टिकल लेके हम जाते हैं, एज ए रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है या नहीं है, आप एक बॉल फ्रिक्शनलेस बॉल बॉल को एक फ्रिक्शनलेस वॉल में फेंकेंगे, ये जो रिफ्लेक्ट होके आएगा ये भी वही फॉलो करेगा। सो रिफ्लेक्शन लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वॉज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी।
सो आप थोड़ा आगे जाके फिर पूछेंगे कि पार्टिकल थ्योरी कैन इट बी एक्सप्लेन बाय रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन हमको पता है, जब लाइट एक डिफरेंट मीडियम को जाता है एयर से वाटर, इसका थोड़ा बेंडिंग होता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। सो दिस इज द रे ऑफ लाइट कमिंग, सो ये थोड़ा बेंडिंग होता है, ये बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो ये रिफ्रैक्शन को हम न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी लेके समझा पाएंगे या नहीं। सो ए लाइट पार्टिकल डीप विद इन ए मीडियम एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। ये जो मीडियम है एयर में बहुत पार्टिकल्स है, सो ये पार्टिकल जो आपका रे आता है, जो लाइट का रे आता है, उसमें भी पार्टिकल है। सो ये पार्टिकल आप तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे, इट इज सराउंडेड बाय मेनी पार्टिकल्स। सो जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेट फोर्स को जीरो करता है। सो इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये था न्यूटन का थ्योरी। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, द लाइट पार्टिकल विल कंटिन्यू मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, बिकॉज मैं जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इसका नेट फोर्स जीरो है। बट डिपेंडिंग अपॉन मीडियम आपका कैसा है, एयर है या वाटर है, सो द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट लाइट पार्टिकल विल बी डिफरेंट। सो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस गाइड करेगा ये बेंडिंग होता है या नहीं होता है। ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, हैड इट बीन आपका एयर होता तो ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, बट वाटर जब आ गया, इसका मीडियम प्रॉपर्टी चेंज हो गया, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो गया। सो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस में ये डिफरेंट बिहेवियर हुआ, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू किया। सो अभी न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी देखेंगे, आप डिस्प्रूव नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि वो मीडियम चेंज होता हो रहा है, इंटरफेस में द फोर्स, नेट फोर्स डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा बेंडिंग हो रहा है। सो देन कुड दिस बी द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? सो रिफ्रैक्शन का भी एक स्नेल्स लॉ है। सो आप देखेंगे न्यूटन उसी टाइम में बोले कि ओके, साइन थीटा आई, जो थीटा आई है, एंड साइन थीटा आर, इसका डिविजन इक्वल टू वेलोसिटी इन वाटर डिवाइड बाई वेलोसिटी इन एयर। एंड उसी टाइम में एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करना डिफिकल्ट था, एंड मैं पूरा स्टोरी आपको नहीं बोलूंगा। एक फ्रेंच साइंटिस्ट फोकॉल्ट, जो फोकॉल्ट पेंडुलम है फ्रांस पांथियन में जो है, वो जो साइंटिस्ट फोकॉल्ट थे, तो वो डिस्प्रूव किए कि आपका ये जो रेशियो है ये उल्टा है। एंड लैटर ऑन माइकलसन ऑल्सो डिस्प्रूव कि ये गलत है। सो न्यूटन्स का ये जो थ्योरी था, सो दैट कुड नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन टेकिंग द प्रॉपर्टी दैट ये एक पार्टिकल है। सो उसके बाद आप सोचेंगे कि लाइट क्या, तो बहुत कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, सो कितना चीज आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। कलर के बारे में सोचते हैं, आप देखेंगे एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर डालेंगे, सो आपको एक रेनबो कलर, डिफरेंट कलर दिखेगा, क्योंकि ये व्हाइट लाइट डिफरेंट एंगल में स्कैटरिंग होता है। सो उसी टाइम में तो इतना समझ नहीं था किसी के पास। सो न्यूटन का क्या थ्योरी था कि न्यूटन एक्सप्लेनेशन फॉर द फैक्ट दैट ए प्रिज्म सेपरेट्स ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स ऑफ रेनबो, ये सिंपल था उनका नजरिया में। ये था कि रेड लाइट रिफ्रैक्ट्स लीस्ट कंपेयर टू वायलेट लाइट। आप देखेंगे ये जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है वायलेट के लिए, कम हो रहा है रेड के लिए। सो न्यूटन का एक्सप्लेनेशन क्या था कि जो मास ऑफ द लाइट पार्टिकल वैरीड विद कलर, ये कलर का लेके ना लाइट का डिफरेंट मास होता है, पार्टिकल का मास होता है। सो रेड लाइट जो है, रेड लाइट में जो पार्टिकल्स है उसका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू वायलेट, सो इसीलिए इनका बेंडिंग कम हो रहा है। सो ये था उनका एक्सप्लेनेशन। सो उसके बाद आप सोचेंगे, एक पोलराइजेशन का कंसेप्ट है लाइट में। सो लाइट का पोलराइजेशन क्या कंसेप्ट है? पोलराइजेशन को सिंपल समझने के लिए आप एक रस्सी ले लीजिए, इसको एक टाई कर दीजिए, बांध लीजिए किधर, एक वॉल के ऊपर। सो उसको आप अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मोशन कर सकते हैं, साइड वाइज भी मोशन कर सकते हैं, ठीक है। सो उसका ट्रांसवर्स मोशन कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोशन कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, जो दोनों आप बहुत डायरेक्शन में भी कर सकते हैं डिफरेंटली, सो मल्टीपल डायरेक्शन में उसको हम वाइब्रेशन कर सकते हैं। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक कार्डबोर्ड में एक स्लिट कर देता हूँ, तो स्लिट करने के बाद रस्सी को उसी के अंदर डालता हूँ, उसके बाद आपको और जो फ्रीडम था हर डायरेक्शन में उसको वाइब्रेट करने के लिए, वो फ्रीडम नहीं रहेगा, आप एक ही दिशा में उसको वाइब्रेट कर सकते हैं। ये जो एक ही दिशा में वाइब्रेशन करना और वाइब्रेशन प्रोपागेट करना, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, कि ये पोलराइज होके एक डायरेक्शन में अभी रुका। सो न्यूटन का जो पार्टिकल थ्योरी है, सो इसको हम पोलराइजेशन कैसे समझाएं? सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए। सो उनका जो कंसेप्ट था,
ये जो लाइट का जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल को हम स्फेरिकल पार्टिकल लेंगे, सो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो वो इसको एक्सप्लेन किए कैसे कि ये जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ लाइट, सो वो था क्या आपका डिफरेंट शेप्स लाइक रेक्टेंगल एंड क्यूब, ओके, लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो उनका अजम्पशन था। सो न्यूटन ऐसे सोच रहे थे। सो नाउ लेट्स गो टू वेव थ्योरी। सो वेव थ्योरी में आप देखेंगे व्हाट इज ए वेव, वेव इज ए पैटर्न और शेप और डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। सो मैं एक जिप पिक्चर लेके आपको इधर दिखा रहा हूँ, एनी वाइब्रेशन दैट कैन ऑल्सो ट्रेवल दिस वे, और इफ यू मेक ए यू नो आप एक रस्सी लेके जो मैं जो वाइब्रेशन आपको समझाया आप वो करेंगे तो आप ऐसा वेव फॉर्मेशन होगा। सो इसको लेके आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसका कैटेगराइजेशन सब होता है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूँ, बट वेव का एक बहुत एक्सलेंट प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। सो थोड़ा सुपर पोजिशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं क्योंकि वो हमको समझने के लिए हेल्प करेगा। सो वो सुपर पोजिशन में क्या होता है, वेव्स कैन ऑक्यूपाई द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। देखिए आप एक पार्टिकल लेंगे, एक प्लेस और टाइम में दो पार्टिकल रख नहीं पाएंगे, बट वेव में जो वेव जो दोनों वेव लेंगे ये एक प्लेस एंड टाइम में क्रॉस कर सकते हैं। सो व्हेन टू वेव एम्पलीट्यूड्स अकर एट द सेम पॉइंट, सो दे गेट एडेड। सो ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, मैं इसलिए आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल डेमो रखा हूँ, सो वो समझ में आ जाएगा कैसे दोनों वेव सुपर इम्पोज करके वो एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है, और डिस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन होगा तो उसका और इंटरफेरेंस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड कम भी घट भी सकता है, वो कैसे हेल्प करता है हमको नया चीज जानने के लिए, मैं धीरे धीरे इसको ऊपर जा रहा हूँ। सो ये जो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल है इसमें देखेंगे कि टू वेव्स डू नॉट स्कैटर फ्रॉम ईच अदर, वो वेव दोनों वेव स्कैटरिंग अपने आप से स्कैटरिंग नहीं होता है। सो इन दिस वे वेव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल पार्टिकल्स लाइक बिलियर्ड बॉल्स। मतलब आप जो मेटेरियल पार्टिकल ले रहे हैं लाइक बॉल, टेनिस बॉल, बिलियर्ड बॉल, ये दोनों टकराएंगे तो इनका दिशा अलग हो जाएगा, बट आप देखेंगे ये वेव लेंगे, वेव का दिशा डिफरेंट नहीं होगा, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है। सो अभी इसी स्टेज में आप सोचेंगे लाइट पार्टिकल है या वेव है, ये अभी डिफिकल्ट है क्योंकि न्यूटन बोल रहे ये इतना छोटा है, इनका डिफ्रैक्शन, इनका जो टकराना ये हमको पता नहीं चल रहा है, और वेव थ्योरी बोलता है कि वेव में दोनों क्रॉस करेंगे उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो ये एक ग्रे एरिया है आपको सोचने के लिए, वेव है या पार्टिकल है, देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो सर आइजक न्यूटन इन द ईयर 1600, सो वो बिलीव किए थे कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल का नाम दिए थे कॉर्पस्कल्स। सो देन उसके बाद क्रिश्चियन हॉइजन आए, सो वो क्या बोले कि ये वेव मोशन है एंड लाइट्स एज ए वेव दे ट्रैवल थ्रू ए मीडियम, वो लाइट जाने के लिए एक मीडियम चाहिए एंड वो मीडियम को वो इथर मीडियम बोले थे उनका थ्योरी में हॉइजन। देन हॉइजन डिड्यूस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड ही कुड ऑल्सो एक्सप्लेन डबल रिफ्रैक्शन टू प्रूव द थ्योरी ऑफ वेव। सो एक आप थ्योरी बना रहे हैं, आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा, वो प्रूफ करने के लिए ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब एक्सप्लेन कर दिए। हाउएवर इफ लाइट बिहेव्स एज ए वेव, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस शुड बी सीन यूजिंग लाइट। सो उसी टाइम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है और डिफ्रैक्शन हो रहा है इसको लाइट रे लेके समझने के लिए। सो इसीलिए थोड़ा उनका हाइजन्स थ्योरी में थोड़ा ड्रॉबैक था उसी टाइम में। सो उसके बाद क्या हुआ कि हॉइजन फेल्ड टू प्रोवाइड एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू शो दैट डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑकर्ड। सो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ नहीं दे पाए थे एंड हॉइजन ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई लाइट हैज डिफरेंट कलर्स, वो कलर को एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे। हमको अभी जो पता है कि डिफरेंट वेव लेंथ करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट कलर्स, वेव लेंथ के अनुसार कलर आता है, मैं आपको समझाऊंगा कुछ टाइम बाद। सो ये हॉइजन थ्योरी में एक्सप्लेन हो नहीं पाया था, बट आप देखेंगे न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी उसमें वो अज्यूम कर लिए कि रेड कलर का जो टाइनी पार्टिकल है वो डिफरेंट मास है एंड ऑल दैट, सो इसीलिए जो व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाता है वो मास को लेके स्कैटरिंग होता है, वो उनका थ्योरी था, ये डिफरेंस है। सो देन 1801 में थॉमस यंग आए, ये एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, ये दिखा दिए कि लाइट डिफ्रैक्ट्स एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न।
ये जो दो चीज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न, ये बहुत जरूरी था हॉइजन थ्योरी को, वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। एंड वो कैसे नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं हम थोड़ा देखेंगे, आप थोड़ा ज्यादा हिस्ट्री देखेंगे ये लाइट का समझ बढ़ाने के लिए विथ टाइम क्या हो रहा था। सो 1860 में क्या हुआ कि मैक्सवेल डेवलप्ड द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनाइट करके मैक्सवेल, आप थोड़ा 8th 9th क्लास में पढ़ेंगे स्लोली, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक थ्योरी डेवलप किए। एंड ही वाज एबल टू शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। मेरा फिजिसिस्ट के ज्ञान के अनुसार, मैं बहुत एक्साइट होता हूँ व्हेन आई सी दिस यूनाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज टू डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर। एंड उसमें क्या हुआ कि उनके उधर जो परमियाबिलिटी परमिटिविटी है, आप बाद में पढ़ेंगे उसको, वो दोनों डिफरेंट थ्योरी से लेके कंबाइन करके आप जब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करेंगे, आप वेलोसिटी ऑफ लाइट सी कम्स लाइक 1/√ इप्सिलॉन 0 μ 0। सो उसका मतलब क्या है कि ये जो परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी इन द फ्री स्पेस दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो ये बोलता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से जाता है। सो तीनों डिफरेंट थ्योरी है एंड दे आर रिलेटेड थ्रू ए वेरी स्मॉल इक्वेशन, सी इज इक्वल टू 1/√ डिनोमिनेटर में रहेगा 1/√ μ 0 एंड इप्सिलॉन 0। ये एक मार्वलस थ्योरी है, इसलिए मैक्सवेल को मैं उसी जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज को यूनाइट करके एंड एक्सपेरिमेंटली तीनों डिफरेंट मेजरमेंट लेके इप्सिलॉन 0 μ 0 एंड सी का, सो दे वो एस्टाब्लिश किए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। सो उसके बाद हमारा समझ थोड़ा आगे गया कि ही असर्टेड दैट लाइट वाज अ फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड उसके बाद मैक्स प्लैंक आए, मैक्स प्लैंक नोबेल लॉरेट थे। सो वो धीरे धीरे एक नया थ्योरी लेके आए कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब वो पैकेट होके आता है। हाँ, सो इट कम्स विथ मल्टीपल्स एनर्जी एच न्यू, मैं समझाऊंगा उसको, ये क्वांटम थ्योरी दिए। उसको प्रूफ करने के लिए आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज मिला, सो वो एक्सप्लेन किए कि क्वांटम थ्योरी आया। सो आप देखिए न्यूटन 1700 ईयर 1700 और 1600 से लेके धीरे धीरे लाइट को समझने के लिए, लाइट एक पार्टिकल है या एक वेव है, उसमें जो पार्टिकल है उसका क्वांटा को फोटोन बोलते हैं, एंड वो कैरी करता है डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जीज व्हिच आर डिस्क्रीट। इसको प्रूव किए आइंस्टाइन, एंड क्वांटम मैकेनिक्स आया धीरे धीरे। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद आपका क्वांटम कंप्यूटिंग आया, एंड ये जो धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आप इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगेगा कैसे आइडिया का डेवलप होता है। आप तो क्लास में मार्क रखने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो सिलेबस में जो है उसको समझ लो, उसको थोड़ा रिप्रोड्यूस कर लो, हो जाता है, बट आप ज्यादा थोड़ा समझेंगे कि इसका डेवलपमेंट मेंटली हम कैसे इसको थ्योरी को डेवलप करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंटली डिसप्रूव करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये बहुत आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे ये थ्योरी अब तक समझ में अभी नहीं आया है कि ये पार्टिकल है या थ्योरी है, पार्टिकल है या वेव है। सो आप पूरा हिस्ट्री देखेंगे, ये स्टार्ट हुआ आइजैक न्यूटन से जो पार्टिकल थ्योरी दिए, उसके बाद क्रिस्टियन हॉइजन वेव थ्योरी, देन थॉमस यंग आए वो बोले वेव थ्योरी, मैक्सवेल आए मैक्सवेल बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये फिर वेव थ्योरी, प्लैंक आ गए, प्लैंक बोले नो 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 इट इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। सो आल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा करके उसको दिखाए कि ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है। सो देखिए 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड लाइट का हिस्ट्री है, और हमको समझने के लिए कुछ सेंचुरी लग गया। उसमें भी जितना डिबेट है, ये पार्टिकल है वेव है, वेव है पार्टिकल है। एंड एट द एंड लुइस डिब्रोगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उनका एक छोटा सा इक्वेशन है, योर लामडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। सो वो बोले कि लामडा लेफ्ट साइड में है जो वेव प्रॉपर्टी है, एंड एच ओवर पी प्लैंक्स कंस्टेंट डिवाइड बाई पी इज मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच क्लासिकली इट इज एम वी, मास आ गया। एक साइड में मास है जो पार्टिकल का डेजिग्नेशन लेके जाता है, और लेफ्ट साइड में आपका वेव है लामडा है। सो एक साइड में वेव और दूसरा साइड में है पार्टिकल, बीच में हमारा इक्वल टू साइन है। ये एक ब्यूटीफुल इक्वेशन मेरा सेंस में है,
जिसके लिए छोटा इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसके लिए वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट, सो इसके लिए लुइस डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला था। सो देखिए कितना नोबेल प्राइज आ रहा है लाइट का प्रॉपर्टी समझने के लिए। मैक्स प्लैंक को मिला नोबेल प्राइज, आइंस्टाइन को मिला, लुइस डी ब्रोगली को मिला, मैं फिर बोलूंगा और किस किस को मिल रहा है, जस्ट वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ लाइट समझने के लिए। सो इसीलिए मैं सोचा मैं आपको थोड़ा एक्साइट करता हूँ, इसमें मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ अभी। ये वीडियो मजा आएगा, आप देखेंगे। या एंड हियर वी आर द ग्रैंडडैडी ऑफ ऑल क्वांटम वीर्डनेस। इसको आराम से सुनिए। स्लिट एक्सपेरिमेंट। टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट वी फर्स्ट नीड टू सी हाउ पार्टिकल्स और लिटिल बॉल्स ऑफ मैटर एक्ट। इफ वी रैंडमली शूट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट से अ मार्बल एट द स्क्रीन, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines. Where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. So, थोड़ा पॉज करके मैं आपको इधर समझाता हूँ। सो देखिए जो पार्टिकल लेके जो थ्रो किए, ये दो बैंड क्रिएट किया, वो इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। और वेव लेके जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, ये पूरा पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था, छोटा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारा लेबोरेटरी में आईआईटी इंदौर आएंगे या आपका एनी कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था। लाइट का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, मैं जो आपको समझाया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, आपका जो डिफरेंट कलर, पोलराइजेशन, ये जो प्रॉपर्टीज है, आप अब तक देखेंगे कुछ चीज पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर चाहिए। सो इसमें डुअलिटी आता है। सो अभी इसको ध्यान से देखिए आगे का स्ट्रीम थ्रू वन स्लिट बिहेव्स जस्ट लाइक द मार्बल सिंगल बैंड। सो इफ वी शूट दीस टाइनी बिट्स थ्रू टू स्लिट्स वी शुड गेट लाइक द मार्बल्स टू बैंड्स। व्हाट An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. We get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they could interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other.
All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit, see which one it went through, and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. And it was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Pulse or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. या सो ये एक ब्यूटीफुल वीडियो है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं सोचा कि बच्चों को दिखाएं ये चीज. सो जो वेव पार्टिकल डुअलिटी का, देखिए आप इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन आप सेपरेट कर सकते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, मतलब नॉट इन नेकेड आईज. सो उसका मास, उसका चार्ज, ये सब नोन है. एक पार्टिकल है हमको पता था. सो अभी जो पैटर्न आप देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये हमको बोलता है कि ये तो वेव प्रॉपर्टी है. सो एक पार्टिकल वेव प्रॉपर्टी कैसे दिखाएगा? सो यहाँ से आता है आपका डुअलिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सो इधर क्या होता है, देखिए द वेव पार्टिकल डुअलिटी अभी आ गया. सो ये पार्टिकल के लिए है या लाइट का भी, लाइट को हमारा जितना समझ है लाइट के ऊपर, वो लाइट पार्टिकल बिहेव करता है. कुछ कुछ जगह हम देखे हैं इंटरफेरेंस काइंड ऑफ फेनोमेना देखने के लिए हमको वेव का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं आएगा. सो आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा. सो अभी एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पार्टिकल लेके देखते हैं. सो मैं जो दिखाया अभी वीडियो, सो ये स्प्रे ऑफ बुलेट्स फ्रॉम ए गन, ये ऐसे पैटर्न आएगा. ये जो पार्टिकल लेके हम करते हैं, इसका आसपास डिपेंडिंग अपन इसका प्रिसीजन, सो किधर ये टकराएगा ये डिसाइड होगा. सो इधर आप वेव लेके देखेंगे. सो एग्जैक्टली द वे आई शोड इन द वीडियो, सो ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न इमर्ज करके आएगा. हाँ, सो उसके बाद ये इंटरफेरेंस होगा. सो इसका मैथमेटिकल थ्योरी भी है. मैं मैथमेटिक्स ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंटरमीडिएट प्लस टू प्लस थ्री का चीज आ जाएगा. क्योंकि आप देखेंगे ये लाइट लेके ये जो फेनोमेना आ रहा है, इसको समझने के लिए हमको वेव थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा. एंड कुछ कुछ चीज में दिखाया जिधर आप पार्टिकल थ्योरी लेके समझा सकते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है हमको पता है, और इलेक्ट्रॉन भी हमको ऐसा पैटर्न दिखा रहा है. सो इसका मतलब जो सब एटॉमिक टाइनी पार्टिकल है वो भी वेव जैसा बिहेव कर रहे हैं. सो इसका मतलब है कि आप देखिए कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पार्टिकल को लेके कर रहे हैं क्या हो रहा है, एक वेव लेके कर रहे हैं क्या हो रहा है, और एक टाइनी पार्टिकल लेके कर रहा है जो वेव जैसा बिहेव कर रहा है. सो नाउ मैं अभी इसको कंबाइन कर लिया कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, ये इंटरफेरेंस पैटर्न, इवन इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रहा है, जिसके लिए डायविसन जर्मर एक फेमस एक्सपेरिमेंट है. आप थोड़ा गूगल करके इसके ऊपर ज्यादा जानना चाहेंगे तो. सो यहाँ से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करता है वेव जैसा. तो दैट मीन्स कि ये जो मटेरियल पार्टिकल है ये भी सब एटॉमिक लेवल में वेव जैसा बिहेव करता है. सो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट वेव पार्टिकल डुअलिटी, सो ये धीरे धीरे जो इंटरफेरेंस पैटर्न ये हमको समझ में आया. जो वीडियो में दिखाया वहां से भी बहुत कुछ समझ में आया कैसे कैसे डेवलप कर रहा है. सो उसके बाद अभी हम पूछेंगे कि तो लाइट इज ए वेव और इट इज ए पार्टिकल. सो कैसे समझेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट फीचर इसका देख रहे हैं. सो ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल वी कैन ट्रीट लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स एज वेव्स. माइक्रोस्कोपिक मीन्स डेली लाइफ में. सो फोटोन को हम देख सकते हैं एज वेव. व्हेन डीलिंग विद सबएटॉमिक फेनोमेना
एटॉमिक लेवल में हम देखेंगे, सो वी आर ऑफन डीलिंग विद सिंगल फोटोन और ए फ्यू फोटॉन्स. सो सिंगल फोटोन का कंसेप्ट आ जाएगा एक पार्टिकल का कंसेप्ट. सो एज ए कंक्लूजन, द साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व दैट लाइट एनर्जी कैन बिहेव आइदर लाइक ए वेव व्हेन इट मूव्स इन ए स्पेस. जब स्पेस में लाइट जा रहा है सो एक वेव जैसा बिहेव कर रहा है, और इट कैन ऑल्सो बिहेव लाइक डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जो टाइनी पार्टिकल्स, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी एमिटेड. सो स्लोली कंसेप्ट थोड़ा डेप्थ को जाएगा. एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू स्पेस दे एक्ट लाइक वेव, एंड व्हेन दे इंटरैक्ट विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स, सो वो इंटरैक्ट करेंगे क्वांटा फोटोन जैसा. सो ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल को बोलते हैं, लाइट का क्वांटा को फोटोन बोलते हैं, एंड फोटोन का प्रॉपर्टी मैं आपको समझाऊंगा. सो अभी हम जितना चीज देखे हैं अब तक, सो उसको लेके जो थ्योरी ऑफ लाइट आप डेवलप करेंगे, कोई बोलेगा इसका एक वेव थ्योरी होना चाहिए, कोई बोलेगा एक पार्टिकल थ्योरी होना चाहिए, एंड एट द एंड हम बोलेंगे कि एक डुअल थ्योरी होना चाहिए कि यस, ये पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा और वेव जैसा भी बिहेव करेगा. सो उसको लेके द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी इमर्ज किया, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, वो दोनों थ्योरी को कंबाइन करके आया. एंड ये ऑलरेडी 100 ईयर्स हो गया, सो मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. उसमें देखेंगे आप, थोड़ा बैक जाके देखेंगे वेव थ्योरी. सो वेव थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय क्रिस्टियन हॉइजन, देन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस लेके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके थॉमस यंग दिखाए, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया जिसमें लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैक्सवेल दिखाए. सो दीज आर इन सपोर्ट ऑफ वेव थ्योरी. एंड हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे कि वो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है. सो उसको समझाने के लिए देखिए, जो लाइट का डायरेक्शन ऐसा जाएगा, सो उसमें दो फील्ड रहता है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है. एंड इसका वेव थ्योरी लेके हम जब देखेंगे, इसको सीरीज ऑफ वेव्स बोलते हैं, जो वेव फ्रंट बोलते हैं, क्रिस्टियन हॉइजन का जो हॉइजन्स थ्योरी, उसमें वेव फ्रंट लेके भी समझा जाता है. सो मैं थोड़ा आपको एक्सपोज कर रहा हूँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, हाउ टू लुक इन टू लाइट इन ए पार्टिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होके भी है, सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो मैं जो वेव बोल दिया उसको तो हमको मैथमेटिकली कैरेक्टराइज करना पड़ेगा. सो एक वेव ऐसा दिखता है, ये जो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ये नीचे चीज को जो बोलते हैं ट्रफ, एंड ये जो दोनों क्रेस्ट के अंदर जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, एंड वेवलेंथ इज लामड़ा. सो द लेंथ दैट वन साइक्युलर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ. सो फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितना बार ये रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका यूनिट हर्ज होता है. एंड आप वेलोसिटी देखेंगे कि एक सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस जाता है उसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं. तो ये थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल एंटिटी टू डेवलप द और टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वेव्स. सो उसके बाद आप देखेंगे इसका एक टाइम पीरियड होता है, मैं जो बोला कि एक सेकेंड में कितना बार रिपीट होता है, सो इसका वन ओवर फ्रीक्वेंसी ले लेंगे वो टाइम पीरियड टी आ जाएगा. वेव नंबर को भी डिफाइन किए कि इट इज वन ओवर लैम्डा वेवलेंथ जो आया. एम्पलीट्यूड जो आप देख रहे थे इसी वेव में, ये जो हाइट है सो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं. सो धीरे धीरे हम वेव थ्योरी को ज्यादा समझने के लिए सो उसका डिफरेंट मैथमेटिकल एंटिटी को समझना स्टार्ट किए. सो ये हमको थोड़ा हेल्प करेगा आगे जाने में. सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. सो डिफरेंट मीडियम में जब लाइट जाएगा उसका स्पीड डिफरेंट रहेगा, एंड इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और स्पीड है ये वैक्यूम में है, जो 3 × 10⁸ जो सी स्टैंडर्ड सी लिखते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है. एंड जो रिलेशनशिप है, जो वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है, जो लामडा इज इक्वल टू सी ओवर एफ. सो आप लैम्बडा इज इक्वल टू सी ओवर एफ लेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी विल करेस्पॉन्ड टू शॉर्ट वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी विल करेस्पॉन्ड टू लॉन्ग वेवलेंथ. ओके, सो ये लेके हम लाइट वेव का डिफरेंट कलर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अभी जो कलर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था इजिली पार्टिकल थ्योरी में, सो अभी आ गया कलर को लेके लाइट का डिफरेंट नेचर एक्सप्लेन करने के लिए. सो आप अभी देखेंगे
कि एक फ्रीक्वेंसी स्केल में और वेवलेंथ स्केल में मैं डाला हूँ, जो लाइट हमको दिखता है रेनबो में, सो दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। सो विजिबल लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, ये एक स्पेक्ट्रम, बट वो लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, गामा रेज, एक्सरेज जो हॉस्पिटल में एक्सरेज होता है, बोन स्ट्रक्चर जो टूट जाता है बोन, उसको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं। सो एंड जो लो फ्रिक्वेंसी वाला जो ये है माइक्रोवेव्स, राडार, रेडियो वेव्स, ये एक स्पेक्ट्रम है। सो वहाँ से धीरे धीरे जो लाइट का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेके सो डिफरेंट थ्योरी आ गया। एंड यू मे नॉट बिलीव मी, आपका जो एज में थोड़ा बिलीव करना भी डिफिकल्ट रहेगा, दिस इज फुल ऑफ फिजिक्स है, जो पूरा स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, सो लो फ्रिक्वेंसी से लेके हाई फ्रिक्वेंसी, दिस हैव इमर्ज्ड विद डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ये बहुत रिच है फिजिक्स में। एंड ये चीज तो मैं आपको दिखाया, जो वेव प्रॉपर्टी लेने के बाद ही हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसीलिए लाइट का जो प्रॉपर्टी है, एक वेव प्रॉपर्टी है और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी है, सो जो दोनों को लेके जो डुअलिटी ऑफ लाइट आएगा, सो ये चीज मैं आपको बोल दिया। और जो पोलराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है 6th 7th क्लास में समझने के लिए, मैं इसको स्किप करता हूँ, जो लिनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर और इलेप्ट्रिकल पोलराइजेशन, ये थोड़ा समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट है आपका लेवल में, मैं थोड़ा इसको स्किप करता हूँ। सो देन जो पार्टिकल थ्योरी, वहाँ से फोटोन कैसे आया, सो इसको देखेंगे। आइजैक न्यूटन, ये पार्टिकल थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय न्यूटन, प्लैंक, देन अल्बर्ट आइंस्टाइन। एंड ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप एक स्टील बॉल लेंगे, एक फ्रिक्शन लाइक सरफेस में इसको टकराएंगे, ये जो रिटर्न जाएगा इट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू आपका एक लाइट सोर्स से लाइट आएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा। सो इसीलिए आपका न्यूटन्स थ्योरी, व्हेन ही गेव द थ्योरी, सो ही कंसिडर्ड इट इज ए पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एनालॉजी, इसे कंपेयर करके सो उनका पार्टिकल थ्योरी आया था। सो पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्स द पार्टिकल फोटोन एज ए नेचर ऑफ लाइट, एंड फ्रॉम क्वांटम परस्पेक्टिव लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड फोटॉन्स। सो आप जो फोटोन देखेंगे, जो लाइट का क्वांटा बोलते हैं, विच इज द पार्टिकल रियलाइजेशन ऑफ लाइट, सो फोटोन इज ए वेरी टाइनी लिटिल पार्टिकल एंड इट हैज एनर्जी मोमेंटम, बट उसका मास नहीं है, मास नहीं है, मोमेंटम है। ये थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिकली हम तो मोमेंटम को एम भी लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एम भी, सो मास जीरो है तो मोमेंटम जीरो है, बट वो फॉर्मूला फोटोन के लिए लागू नहीं होगा। सो उसका चार्ज नहीं है, एंड ये आता है डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, सो दैट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। सो क्वांटम के लिए बहुत लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर से लेके आइंस्टाइन, सो मेनी पीपल गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट, क्वांटम। एंड सो धीरे धीरे फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल थ्योरी, सो स्लोली दैट वेंट टू द थ्योरी ऑफ फोटॉन्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स, पैकेट्स ऑफ वेव्स, सो डिफरेंट थ्योरी स्लोली डेवलप हुआ। एंड फोटोन, वी एज ऑफ नाउ व्हाट वी नो इज फोटोन हैज नो मास, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट हैज एनर्जी, इट हैज मोमेंटम, एंड इट एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज। आप फोटोन कंसेप्ट लेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स ले लेंगे, सो उसका जो डुअलिटी ऑफ प्रॉपर्टी है, वेव है एंड पार्टिकल है, तो दोनों चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक फोटोन, ये क्वांटम मैकेनिक्स लेके। सो देन इट हैज वेव लाइक प्रॉपर्टी, सो फोटॉन्स आर ऑल्सो इन मोशन, सो फोटोन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रारेड लाइट, इट्स पार्ट ऑफ इंफ्रारेड लाइट एंड विजिबल लाइट, जो सनलाइट आप देख रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट जो सनबर्न होता है, एक्सरेज जो हॉस्पिटल में है, ये सब में फोटोन है एंड दिस इज ऑल्सो लाइट। सो देन इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए, इसका एनर्जी में वेव प्रॉपर्टी में आता है ना लैम्डा, लैम्डा और सी, सो ये एनर्जी से के साथ कैसे रिलेटेड है, सो मोमेंटम के साथ कैसे रिलेटेड है, क्योंकि मोमेंटम तो पार्टिकल प्रॉपर्टी लाएगा, सो ये सब चीज, ये फॉर्मूला सब है, आप थोड़ा टेक्स्ट बुक देख लेंगे। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। सो व्हाट आई डिस्कस्ड इज, आपके साथ में अभी जो डिस्कशन किया, कि मैं स्टार्ट किया न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी से, हाइजेंस वेव थ्योरी, दोनों पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर नहीं पाए। सो देन जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया, ये इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल, उसको लेके हम देखे कि ओके, इवन इफ ये पार्टिकल है, इसका वेव प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स
ए सबएटॉमिक पार्टिकल के साथ वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है. सो देन स्लोली हम बोले कि ओके वो लाइट वेव भी है पार्टिकल भी है. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल दे ऑल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल इन सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल्सो लाइक ए वेव इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. सो इससे लेके वेव पार्टिकल डुअलिटी आया. ए वेरी स्मॉल इक्वेशन एज आई टोल्ड यू लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी. इसके लिए लुईस डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज मिला. एंड फ्रॉम देयर स्लोली द होल क्वांटम मैकेनिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ. एंड सो लाइट इवन एज आई मेंशन यू इट वाज प्रोड्यूस्ड नियर बिग बैंग कलिजन ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो. इसको समझने के लिए हमको इतना टाइम लग गया, इतना नोबेल प्राइज मिला एंड इसका थ्योरी इतना इंटरेस्टिंग है. सो होप आई ट्राइड माई लिटिल बेस्ट टू एक्साइट यू सो दैट यू नो यू स्टार्ट लर्निंग डिफरेंट डायरेक्शंस, स्टार्ट थिंकिंग हाउ एंड व्हाई ये कैसे होता है ये चीज सब. सो उसका थ्योरी देखो, उसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखो, कुछ चीज को आप डिस्प्रूव कर सकते हैं क्या, किस चीज को प्रूव कर सकते हैं क्या. सो ऐसे ऐसे साइंस का फाउंडेशन तो डेवलप होगा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद प्रोफेसर साहब, धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आपने जो है लाइट के बारे में बतलाया और कैसे कभी ये वेव की प्रॉपर्टी जो है ये ग्रहण कर लेता है लाइट, और कभी पार्टिकल की प्रॉपर्टी, दोनों से ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो वेव पार्टिकल मिलकर के जो है जो नई थ्योरी फाइनल डेवलप हुई है, हो सकता है इनमें भी संभावनाएं हों कुछ रिसर्च की आगे चल के. धन्यवाद आपका, बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा. अब मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि थोड़ा धन्यवाद आशीष सर. इस धन्यवाद की श्रृंखला में मैं पुनः एक बार डॉक्टर रघुनाथ साहू साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही रोचक तरीके से आज हमारे विद्यार्थियों को समझाया, साथ में हिंदी भाषी ना होने के बावजूद भी पूरी बातें हिंदी में रखी. निश्चित ही हमारे विद्यार्थी, शिक्षक और फील्ड के सभी लोग इससे होंगे, समझे होंगे, कोई दिक्कत आई होगी तो थोड़ा बहुत चलता है. मैं पुनः एक बार आपका आभार, आईआईटी इंदौर की पूरी टीम का आभार. मैं आभार करता हूँ अपनी डाइट की फैकल्टी का जो नियमित रूप से हमारे इस कार्यक्रम को देख रही है और आपके इस कार्यक्रम को सुखतापूर्वक देखा. अपने एपीसी एकेडमी, बीआरसी का, बीएसी, सीएसई, शिक्षक साथियों एवं अभिभावकों का जो अपने विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि ताकि हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं. मैं एक बार पुनः अपने फील्ड का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग के लिए हम नियमित रूप से अच्छे अच्छे रोचक कार्यक्रम लेकर आते हैं. आप अपने विद्यार्थियों को, शिक्षकों को जरूर दिखाएं, बोलें कि इसको आप लोग इसको देख सकते हैं, ये जो लिंक है अभी भी देख सकते हैं लाइव. नहीं देख पाए तो जो भी लिंक आपके साथ शेयर की जाती है इसको कभी भी आप लोग देख सकते हैं, साथ में आईआईटी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं. मैं आईआईटी इंदौर की टीम का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर आशीष कुमार जी का, डॉक्टर नीरज शुक्ला जी का, डॉक्टर मृगेंद्र दुबे जी का, डॉक्टर अजय कुशवाहा जी का और आज के वक्ता डॉक्टर रघुनाथ साहू साहब का. साथ में जो अन्य व्यक्ति आईआईटी के हमारे इस कार्यक्रम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्नीशियन, उन सभी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ. और जय हिंद, जय भारत. अगले वीक फिर अपन मिलेंगे और सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं. आप सबकी होली अच्छी बीते, अच्छी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ. आशीष सर, जी जी जी, तो ठीक है बच्चों, अभी अब कमिंग सप्ताह में अभी होली भी है, आप एंजॉय करिए. कुछ हो सकता है कि इस बार होली ज्यादा अच्छे से बीते क्योंकि अभी कोरोना कम कम हुआ है, पर फिर भी सावधानियों की जरूरत है. तो इसी के साथ में अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं. धन्यवाद, नमस्कार.